क्या आप जानते हैं, इस सवाल के साथ हम हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे जो शायद आपको नहीं मालूम हो। इस वीडियो से आप इन अमेजिंग फैक्ट को जान सकते हैं, साथ ही आप इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज क्या आप जानते हैं मैं बात करेंगे आपके बालों के बारे में। जी हाँ, क्या आपको पता है कि सुनहरे बाल वाले लोग कैसे होते हैं? क्या आपको पता है सुनहरे बाल वाले का स्वभाव कैसा होता है? अगर नहीं जानते हैं तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुनहरे बालों वाले लोगों के बारे में और जानेंगे उसके स्वभाव, चरित्र और क्षमताओं के बारे में। सुनहरे बालों वाले लोग को अंग्रेजी में ब्लॉन्ड कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुनहरे आभा लिए हुए बालों वाला व्यक्ति। दुनिया में केवल 2% लोगों के बाल ही प्राकृतिक रूप से सुनहरे होते हैं। दुनिया में 3 में से 1 महिला अपने बालों को हल्का सुनहरा रंग देती है ताकि वो ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग सके। शब्द ब्लॉन्ड पहली बार 1481 में पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कुंद यानी सुनहरे और हल्के शाह बलूत फल यानी पाइन फल के बीच का रंग यानी ब्लॉन्ड। सुनहरे बाल होना एक अनुवांशिक कारण होता है जो किसी भी व्यक्ति के डीएनए में सभी 3 बिलियन अक्षरों में 1 अक्षर को बदलने जैसा होता है। जो बच्चे प्राकृतिक सुनहरे बालों के साथ पैदा होते हैं उनमें से लगभग 40% बच्चों के बाल 10 साल के उम्र से पहले ही धीरे धीरे गहरे रंग के भूरे हो जाते हैं। सुनहरे बाल वाले लोग में ये कुछ गुण पाई जाती है, जैसे ईमानदारी, सौहार्द, संतोष, सुरक्षा, उत्साही, मेहनतकश, जवाबदार, गंभीर और भरोसेमंद। जिन लोगों के बाल अपने परिवार के बाकी सदस्यों से अलग प्राकृतिक रूप से सुनहरे रंग के होते हैं, उन्हें अपने परिवार के साथ तालमेल स्थापित करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। सुनहरे बालों वाले लोग का स्वभाव परिवार के दूसरे सदस्यों से थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए इनका स्वभाव परिवार के बाकी सदस्यों से मेल नहीं खाता। सुनहरे बाल वाले लोग देखने में भले ही दुबले और कमजोर नजर आते हैं, लेकिन इनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती। सुनहरे बाल वाले लोग की बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये हर फैसला बेहद सोच समझ कर लेते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।